वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट का बर्थडे। उन्होंने डाला था अपनी स्टोरी पर कि वो आज नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पे सारे फैंस के साथ मिलने वाले हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो हम वहीं चल रहे हैं और देखते हैं कैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और कितनी भीड़ आती है, क्या होता है, बिल्कुल मैं अनजान हूँ। तो लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये सब लोग फ्लाइंग बी सर के लिए आए हैं और सारा रास्ता जाम हो गया है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब कैब आगे तक नहीं बढ़ पा रही और लोग सब गाड़ियों में और कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ओवर क्राउडेड। सब लोग यहाँ पर फ्लाइंग बीस को मिलने आए हैं उनके बर्थडे की विशेज के लिए और भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली रितु मैम ने पूरा मेट्रो स्टेशन पे एक एक्वा लाइन पे बुक किया था कोच जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करना था और इस वजह से मेट्रो स्टेशन पे बहुत बड़ा कियोस हो गया है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सारे फैंस ने गाड़ी को कवर कर लिया है जो फ्लाइंग बी सर की गाड़ी आई है और पूरा रोड जाम कर दिए हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा कियोस हो गया है, सारा रास्ता ब्लॉक्ड है। नीचे से भी बहुत सारी क्लिपिंग्स ली, ऊपर से भी खड़े होकर बहुत सारी क्लिपिंग्स ली, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ कि आप मतलब सड़क पे चल नहीं सकते और बहुत बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन हो गई। यह देख सकते हैं गौरव सर अपनी गाड़ी से उतरे तो इतनी सारी भीड़ उनके साथ चल पड़ी जिस वजह से उनको सेक्टर 51 आना था। वो भागते हुए सबको क्रॉस करते हुए सेक्टर 52 पहुँचे मेट्रो स्टेशन पर, ताकि ये देखो पीछे कितना लंबा जाम है, कितने लोग डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई और वो इसी वजह से सेक्टर 52 गए, क्योंकि रितु मैम, रशि और पीहू भी आ रहे थे तो वो गाड़ी अपनी क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गौरव सर को सारे लोगों को और सारे फैंस को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। भाई क्या हो रहा है, आज गौरव तनेजा का बर्थडे है और यहाँ पर इतनी ज्यादा ओवरक्राउडेड भीड़ है। आप देख सकते हो पूरा ट्रैफिक जाम है नोएडा में जहाँ पे उन्होंने सबको बुलाया था और इतनी ज़्यादा 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 उनके फॉलोअर्स यहाँ पर आ गए हैं कि पूरी रोड्स जाम हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर रोड्स जाम, माय गॉड, इतनी फैन फॉलोअर्स। हाँ दिख रही है, हो रही बीच में। उधर चले गए होंगे। हम सब बहुत ही वेट कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और सब लोग रिकॉर्ड करने के लिए वेट कर रहे हैं गौरव सर को बर्थडे मनाने के लिए। एक्साइटमेंट लेवल सबका हाई है, छोटे छोटे बच्चे तक वेट कर रहे हैं और रशी भी हूँ सबसे मिलने के लिए। तो हम देखते हैं आप कब आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर। आप लोग कब से आए हुए हो? अभी हम लोग आ गए 12 बजे। 12 बजे से आए हो आप? सब भी 12 बजे से आए हुए हो? सब लोग सुबह से वेट कर रहे हो बर्थडे सेलिब्रेट करने का। वाओ, गौरव सर 52 सेक्टर 52 सेक्टर चल गए, क्राउड डाइवर्ट कर दिया। तो अब हम वेट कर रहे हैं रितु मैम, पीहू और रशी की। बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से और बहुत कम मैनेजमेंट होने की वजह से रितु मैम और रशि पीहू वगैरह बहुत परेशान भी हो रहे थे, इसलिए वो भी सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी सब दूर हो जाएं। काफ़ी दिक्कत हुई थी सबको, लेकिन सब फैंस हैं और बहुत वेट कर रहे थे उनकी। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा थोड़ा
इतना ज़्यादा क्राउडेड है। और यहाँ पर नोएडा में बाद में सबको पता चला कि यहाँ पर कुछ वॉयलेशंस हैं, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, 144 धारा लगाई गई है, जिस वजह से बहुत इश्यूज हो गए, क्रिएट हो गया, जिस वजह से क्लाइंट भी सर को और हिमांग को इसी कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़े हैं, जिस वजह से बहुत सब लोगों को बहुत बुरा लगा, उनके बर्थडे का यहाँ पर बहुत क्लॉस हो गया। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो चुका है, यहाँ पर मैनेज नहीं हो रही, भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। अभी तो गौरव सर अभी आए भी नहीं है, अभी तो मैम रशी और पीहू हैं और अनकंट्रोलेबल भीड़ है। सब लोग विशेष दे दो हैप्पी बर्थडे गौरव सर को, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो इसलिए बहुत क्लियर क्लियर वीडियोस नहीं आ पा रही, विजुअल्स नहीं आ पा रहे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। हाँ, मैं हर जगह जाती हूँ जहाँ भी फ्लाइट के सर होते हैं, बहुत बड़े फैन हैं हम। और बहुत वेट कर रहे थे कि बहुत सारे गिफ्ट्स और फ्लावर्स केक्स वगैरह सब लेके आए हुए थे, पर अंदर इतना ज़्यादा क्रॉटिक हो गया था कि वहाँ पर कोई जॉइन नहीं पा रहा था और कोई उसको लॉग नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना बहुत अनकंट्रोलेबल हो गया। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पर, और हम गौरव सर को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ओवर क्राउड हो गया तो बहुत मिसमैनेजमेंट हो रही है, भीड़ को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप भी सब गौरव सर को हैप्पी बर्थडे विश करो और ऐसे अगली बार से मत किया करो यार, बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड हो जाता है। जो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और जो लोग आ रहे हैं उनको भी डिफिकल्टीज हो रही है, तो सब लोग आराम से किया करो यार। सब लोग विश करने आते हो अच्छा लगता है, पर बहुत आराम से। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं तो बाहर आ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, और अभी हमें पता चला कि धारा 144 लगी हुई थी नोएडा में, जिसकी बात शायद गौरव सर और तरुण मैम को भी पता नहीं थी, और इस वजह से वो अरेस्ट हो गए हैं अपने बर्थडे वाले दिन, बिकॉज उन्होंने 144 धारा का उल्लंघन कर दिया और बहुत सारी क्राउड इकट्ठा हो गया, जिस वजह से आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड फॉर गौरव सर कि उनको आज के दिन ऐसा फील करना पड़ा।